Good morning everyone, welcome to Economic Times daily news analysis and explanation. So today is Tuesday and date is 22nd March. So first of all, thank you very much. I got over 100 responses on that form, तो उसके लिए thank you very much. And उसके अलावा Economic Times की जो PDF है ये आपको Telegram group होता है हमारा, उसके अंदर आपको मिल जाएगी, जिसका link नीचे दिया हुआ है. और जिस PDF की या जिस Google form की मैं बात कर रहा हूँ वो मैंने कल आपको बताया था. 2-3 PDFs हैं जिसके अंदर अगर आपको फाइनेंस बहुत बेसिक से स्टार्ट करनी है तो आप उस बुक को रेफ़र कर सकते हैं. तो एक बुक मैंने शेयर कर दी थी टेलीग्राम पे, एक का मैंने फॉर्म बता दिया था. तो मैं अगर अगेन बताऊंगा तो थोड़ा टाइम वेस्ट होगा, तो आप चाहें तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप कल की वीडियो में स्टार्टिंग में देख सकते हैं, उसके अंदर आपको मिल जाएगा. और जो लिंक वगैरह थे, जो गूगल फॉर्म का लिंक था, तो वो आज वाली वीडियो के नीचे भी आपको मिल जाएगा. अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज़ से. RBI विल इंश्योर इनफ लिक्विडिटी टू सपोर्ट बिजनेस दास. सबसे पहले ये BIZ क्या है, तो BIZ को मैंने रीड ही बिजनेस किया है, तो ये आपकी बिजनेस एक्टिविटीज़ को दर्शाता है. इसको थोड़ा, जैसे बिजनेस थोड़ा लंबा वर्ड हो जाएगा तो यहाँ पे फिट नहीं होगा, इसलिए सिर्फ ओरिएंटेशन के लिए लिखते हैं. यहाँ पे दास जो लिखा है, दास का मतलब है शक्तिकांता दास. ये आज के टाइम पे RBI के गवर्नर है, और RBI के गवर्नर से रिलेटेड मैं आपको 2-3 एडिशनल इन्फॉर्मेशन दूंगा जो कि आपके क्वेश्चन की फॉर्म में काम आ सकती है. ये मुझे एक क्वेश्चन है जिसका लॉजिक नहीं पता है, जिसको कई बार पूछा जाता है कि RBI के फर्स्ट गवर्नर कौन थे, या फिर RBI के अभी जो गवर्नर हैं वो कौन से नंबर के गवर्नर चल रहे हैं. तो इसका लॉजिक ऐसा नहीं समझ में आता है, बट ये काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीट होता देखा है मैंने. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 25 आपके RBI के गवर्नर हैं शक्तिकांता दास, और इसके अंदर जो फर्स्ट आपके गवर्नर थे वो थे ऑस्मोंड स्मिथ. 1935 में इनकी टर्म जो RBI गवर्नर की थी वो स्टार्ट हुई थी. तो इसके अंदर देखें तो आगे सेंट्रल बैंक गवर्नर सेज प्रोसेस टू रोल बैक कोविड रिलेटेड रिलीफ मेजर्स, यानी कि वो इनफ लिक्विडिटी इंश्योर करेंगे, यानी कि जो गवर्नमेंट है वो एक्सपेंडिचर करेगी लोन्स वगैरह के लिए. यानी कि मैंने आपको बताया है कि RBI अपने रेपो रेट पे लोन देती है बैंक्स को, तो वो ज़्यादा लोन प्रोवाइड करेगी. क्या होता है कि ज़्यादा लोन देने का एक तरीका होता है कि रेपो रेट को कम कर दो, बट रेपो रेट को कम करने से हो सकता है कि बैंक ले ही ना ज़्यादा लोन्स, क्या पता उनके पास डिमांड ही ना हो लोन्स के लिए. बट यहाँ पर ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है. अगर आप क्रेडिट कार्ड का डेटा जो हमने थोड़े दिनों पहले एनालाइज किया था उसको भी देखेंगे तो मतलब उससे सीधा कंक्लूजन निकलता है कि क्रेडिट की कंडीशन अच्छी चल रही है इकोनॉमी के अंदर. तो यहाँ पर भी यही होगा कि RBI ज़्यादा क्रेडिट देने लग जाएगा इसी रेपो रेट के ऊपर. रेपो रेट कम होने की बात नहीं कर रहे हैं हाईलाइट के अंदर, तो ये चीज़ इसके अंदर. अब हाईलाइट के लिए क्या है कि सिंस वो उनको पैसा वहाँ पर लगाना है तो क्या करेंगे, वो कोविड रिलेटेड जो रिलीफ मेजर्स थे उनको बंद कर देंगे. कुछ जो जैसे हॉस्पिटल्स के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें फ्री कर दी गई थी, और आपके प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर भी जाके आप ये सब इलाज करा सकते थे कि फॉर द कंटिंजेंसी पर्पसेस, तो ये सब चीज़ें बंद कर देंगे ताकि धीरे धीरे करके, क्योंकि अब केसेस वगैरह भी कम हो गए हैं, बहुत सारा रिलीफ नहीं भी लगता है, तो उसकी वजह से ये चीज़ें कम कर देंगे. आगे चले तो RBI विल इंश्योर अबंडेंट लिक्विडिटी टू सपोर्ट बिजनेसेस, ये हमने ऊपर देख लिया है. फॉर द क्रेडिट सिस्टम टू बी एक्टिव, तो आपकी पूरे बिजनेस एक्टिविटी को मेनटेन करने का गवर्नमेंट के हाथ में जो सिस्टम होता है वो एक ही होता है मेन, जिसके अंदर वो क्रेडिट सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं. क्योंकि इंडिया के अंदर RBI की बहुत ज़्यादा पावर है, तो पूरे RBI आपके बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल कर सकता है, इसके लिए क्रेडिट सिस्टम को ये इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. आगे चल दो, और इसीलिए आप देखेंगे कि ये शक्तिकांता दास ने स्टेटमेंट दिया है, ना कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने. तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट है. दास वॉज आंसरिंग क्वेश्चन फ्रॉम द इंडस्ट्री. ये बेसिकली बताया गया है कि ये कब इन्होंने बोली है स्टेटमेंट. तो ये CCI काउंसिल जो होता है कमीशन ऑफ इंडिया, तो इसको जब ये एड्रेस कर रहे थे, इनके साथ बात कर रहे थे काउंसिल मेंबर्स के साथ, तब इन्होंने बताया. अब इस काउंसिल मेंबर्स के अंदर कौन आते हैं वो ऊपर लिखा है, वो आप पढ़ सकते हैं, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है. उदय कोटक, के.के. मिस्त्री, ऋषद प्रेमजी, ये सब आते हैं, मतलब इंडिया के टॉप एंटरप्रेन्योर्स इसके अंदर आते हैं. इंडिया हैज़ रिपोर्टेड कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन ऑफ मोर देन 6% फॉर 2 कंसेक्यूटिव मंथ्स. बेसिकली इससे रिलेटेड आपको एक और हाईलाइट पढ़नी पड़ेगी पहले. हाँ, तो ये हाईलाइट है कि इंडिया के अंदर इन्होंने एक और स्टेटमेंट दी है. एक तो स्टेटमेंट यही थी कि वो लिक्विडिटी इंश्योर करेंगे. दूसरी बात इन्होंने बोला है कि अब ये जो 2 to 6% का आपका प्राइस ब्रैकेट इन्होंने दिया हुआ है जो इन्फ्लेशन के लिए, वो अब ये ब्रीच नहीं होने देंगे. मैं आपको बताऊँ तो अब आपको समझ में आएगा, पिछले 2 महीने से लगातार 6% से ऊपर जा रही है इन्फ्लेशन, और RBI ने काफ़ी टाइम से ये बोला हुआ है, कुछ सालों से बोला हुआ है इनफैक्ट, कि अब 2 से 6% में ही रहेगा इंडिया का इन्फ्लेशन, 6% से ऊपर नहीं जाएगा. तो बेसिकली ये 6% का जो मार्क क्रॉस हो रहा है 2 महीने से, अब ये ऐसा और नहीं होगा, ऐसा ये प्रिडिक्ट करते हैं अपनी स्टेटमेंट के अंदर. तो ये आई होप आपको समझ में आ गई होगी फर्स्ट न्यूज़ पूरी. आगे चले तो द हाई पावर्ड ET अवार्ड्स जूरी. तो बेसिकली यहाँ पर जो ET अवार्ड्स की सेरेमनी होने वाली है, इसके जजेस कौन है वो यहाँ पे बताया हुआ है। तो ऑब्वियसली बात है इतना रेलेवेंट कोई इसके अंदर है नहीं यहाँ पर। तो आई होप आपको क्लियर होगा ये भी। सुखोई अपग्रेड गेन्स अर्जेंसी अमिड वरीज ओवर रशियन स्पेयर्स। तो यहाँ पर होता क्या है कि रशिया बहुत ही बड़ी कंपनी है, बहुत ही बड़ी कंट्री है, जो अगर आप इम्पोर्ट के उसमें देखें डिफेंस इक्विपमेंट में, तो हम वहाँ से इंडिया स्पेसिफिकली वहाँ से बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट करता है। अगर मैं बताऊँ तो वहाँ का 25% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से ही आता है डिफेंस के इक्विपमेंट का। तो वहाँ का 25% रेवेन्यू डिफेंस के एक्सपोर्ट से आता है, और उस 25% में से 25% यानी कि आप मान सकते हैं कि ऑलमोस्ट 6% ऑफ देयर एक्सपोर्ट्स इज़ फ्रॉम इंडिया। तो वो 25% का 25% सिर्फ इंडिया को ही एक्सपोर्ट करते हैं डिफेंस का। तो बेसिकली इसकी वजह से इंडिया काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट भी हो जाता है रशिया के ऊपर अगर हम डिफेंस के बारे में देखें। तो इस वजह से क्या हुआ है कि इसी तरीके से एक हमारा एयरक्राफ्ट है जिसको आप बोला जाता है इंडियाज़ फ्रंटलाइन फाइटर फ्लीट, यानी कि अगर आप एयर पूरी डिफेंस की बात करें, एयर डिफेंस की, तो उसके अंदर बहुत ही बड़ा नाम ये हो जाएगा जिसका नाम है सुखोई। तो सुखोई एक एयरक्राफ्ट है जिसके अपग्रेड की बहुत ज़्यादा अब अर्जेंसी आ गई है, क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है कि रशिया से स्पेयर्स नहीं मिलेंगे। रशिया से स्पेयर्स मतलब क्या होता है, बहुत सारे स्पेयर पार्ट्स चाहिए होते हैं अगर आपको किसी डिफेंस इक्विपमेंट को रन करना होता है। इसका बहुत ही बेसिक एग्जांपल होगा मिसाइल्स। तो जो इस एयरक्राफ्ट के अंदर मिसाइल्स हैं वो भी इसके लिए कस्टमाइज़ कर दी गई होंगी, क्योंकि हर एयरप्लेन का जितना वेट कैपेसिटी होती है वो सब चीज़ें डिफरेंट होती हैं। तो इसके लिए जो चीज़ मिसाइल्स वगैरह बनी होंगी वो एक तरीके से स्पेयर पार्ट्स हो जाएंगे जो हम रशिया से सोर्स करते होंगे, क्योंकि हमने ये पूरा एयरक्राफ्ट ही रशिया से लिया हुआ है। तो उसकी वजह से अगर वो नहीं मिलेगा तो हम ये यूज़ ही नहीं कर पाएंगे, इसकी वजह से इसको अपग्रेड करना पड़ेगा। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे द एयरक्राफ्ट यहाँ पर विद ऑफिशियल अर्जिंग दैट लोकली मेड सिस्टम्स नीड टू बी इंटीग्रेटेड इनटू द सुखोई। मतलब बेसिकली इंडिया में जो सिस्टम्स बने हुए हैं, इंडिया में जो चीज़ें हैं, हमारे पास स्पेयर पार्ट्स पड़े हुए हैं, उसको हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा सुखोई 30 MKI के अंदर, ताकि हम इसको यूज़ कर पाएँ ढंग से बाद में भी अगर रशिया से ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। और अगर मैं एक पॉइंट इसमें बताऊं कि रशिया के पास अगर फॉर एग्जांपल ख़त्म ही हो गया, उन्होंने वॉर में ही सब कुछ यूज़ कर दिया, तो भी वो नहीं दे पाएंगे। हालांकि ये बहुत ही अनलाइकली स्टेटमेंट है, बट ऐसा हो भी सकता है। द एयरक्राफ्ट विच फॉर्म अ बल्क ऑफ इंडियाज फाइटर फ्लीट वर फर्स्ट इंडक्टेड ओवर 2 decades ago। तो 2 decades ago ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो यहाँ पर सुखोई के बारे में दी हुई है। दिस सेड दैट इनफ स्पेयर्स आर अवेलेबल फॉर द कमिंग मंथ्स ड्यू टू कंटिजेंसी प्लानिंग। तो मतलब बेसिकली ये गवर्नमेंट ने अपने अप्रेजल के उसमें बात कही है कि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इतनी प्लानिंग कर रखी थी कि 2 महीने तक के स्पेयर पार्ट्स हमारे पास पड़े हैं, पर आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि सिर्फ 2 महीने के ही बचे हैं। तो ये भी एक पॉइंट बन सकता है इसके अंदर। आगे चले तो इसके अंदर स्टील कंपनी से रिलेटेड एक न्यूज़ है। स्टील कंपनीज में यूज़ फोर्स मजोरे टू कॉल फॉर फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट्स। तो यहाँ पर बैकग्राउंड में मैं आपको एक बात बताता हूँ क्या चल रहा है। तो बैकग्राउंड में आपका जो कुकिंग कोल होता है, कुकिंग कोल आपके स्टील के बनाने में बहुत ज़्यादा रेलिवेंट रहता है, एक रॉ मटेरियल टाइप आपका काम करता है। तो कुकिंग कोल जो अगर आपको कुकिंग कोल नहीं पता तो उससे रोड्स भी बनते हैं। तो वो जो बैरल्स में कुकिंग कोल होता है जिसमें एक स्मेल भी होती है बहुत अजीब सी, तो वो कुकिंग कोल जो होता है उसका प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका है, क्योंकि कोल की बहुत ज़्यादा सप्लाई शॉर्ट हो गई है। तो वो $300 से $700 इन अ मंथ चला गया। तो पहले आपका क्रूड ऑयल भी इतने उससे ही बढ़ रहा था, उससे बहुत ज़्यादा बड़े रेट से ही आपका कुकिंग कोल के प्राइसेस भी बढ़ गए हैं। तो उसकी वजह से हुआ क्या, स्टील कंपनीज जिनको कुकिंग कोल चाहिए ही अपने प्रोसेस के लिए, तो वो क्या कर रहे हैं कि वो जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे उनके साथ अपना फोर्स मजोरे का एक मतलब बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे जिनके साथ उन्होंने पहले बात करी हुई थी, उनके साथ जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था उस कॉन्ट्रैक्ट वो एक्सपायर होने वाले हैं, धीरे धीरे वो एक्सपायर हो जाएंगे। तो वहाँ पर एक्सपायर होने में क्या कर सकते हैं, वो फोर्स मजोरे का क्लॉज डाल सकते हैं। फोर्स मजोरे का क्लॉज का बेसिकली मीनिंग होता है कंपल्शन। यहाँ पर उसका सही मीनिंग भी दिया हुआ है, वी रिक्वेस्ट यू टू एक्सेप्ट द प्राइस हाइक एंड कंटिन्यू द सेम कॉन्ट्रैक्ट। बेसिकली अगर एक्स कंपनी जो है, जैसे अगर मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर कोई एक्स कंपनी है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा, हाँ यहाँ पर एक्स कंपनी अगर कोई फॉर एग्जांपल वो वाई एक सप्लायर, वाई एक पर्सन है या एक कंपनी है जिसको सप्लाई करती है, तो हो सकता है कि यहाँ पर प्राइस हाइक हो जाता है। तो एक्स कंपनी के पास बहुत सारे लोग आ जाते हैं पूछने के लिए कि क्या आप हमें दे सकते हो, हमें दे सकते हो, जैसे ए बी मान लेते हैं इन कंपनीज़ को। तो अगर प्राइस हाइक हो जाता है तो क्या होता है, फोर्स मेजोरिटी के क्लॉज में आप क्या करेंगे कि आप जितना भी हाईएस्ट प्राइस इन तीनों को दे रहे होंगे, मान लेते हैं यहाँ पर दे रहे हैं एक्स प्राइस, वाई प्राइस, जेड प्राइस, तो उसमें जितना भी सबसे ज़्यादा हाई प्राइस होगा, मान लेते हैं एक सबसे बड़ा प्राइस है जिस पे वो पहले ए को दे रहा था सिर्फ, और अब वाई को भी उस पर ही देना पड़ेगा, ये फोर्स मेजोरिटी का कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वो वाई के साथ पहले कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था। तो ये आपको समझ में आएगा, वी रिक्वेस्ट यू टू एक्सेप्ट द प्राइस हाइक जितना भी प्राइस हाइक जितना भी प्राइस आप बोलो आप ले लो हमसे एंड कंटिन्यू द सेम कॉन्ट्रैक्ट। तो ये हो गया यहाँ पर। अब आपको हो सकता है लग रहा हो कि यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा प्राइस हाइक कर देंगे, मतलब बिल्कुल अनरीजनेबल चार्ज करेंगे, बट ऐसा नहीं होगा क्योंकि उनकी भी एक मार्केट रेपुटेशन है, वो ख़राब हो जाएगी। और वो फ्यूचर में इतने बड़े अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर है एक्चुअली में जो ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उनके साथ, तो वो उनके साथ रिलेशंस को भी ख़राब नहीं करना चाहेंगे, तो वो चीज़ भी इसके अंदर रहती है। तो आगे चले तो यहाँ पर यही लिखा है बस, सम इंडियन स्टील मेकर्स आर प्लानिंग टू इन्वोक द फोर्स मजोरे क्लॉज एंड री नेगोशिएट शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा यहाँ पर यहाँ तक। विद कस्टमर्स फॉलोइंग अ सर्ज इन द रॉ मटेरियल कॉस्ट्स इंक्लूडिंग कुकिंग कोल प्राइसेस। तो ये मैंने आपको पूरा बता दिया कि कुकिंग कोल आपके रॉ मटेरियल का काम करता है, मतलब इस इंडस्ट्री के अंदर, स्टील इंडस्ट्री के अंदर, और उसकी वजह से ये चीज़ चाहिए इनको। तो ये क्लियर होगा आपको। गवर्नमेंट टू अनवील प्लान टू बूस्ट पीएसयू जर्नल इंश्योरेंस। तो मैं ये वाली हेडलाइन पढ़ रहा हूँ अभी। तो इसके अंदर बोला गया है कि पीएसयू जर्नल इंश्योरेंस कौन है। तो पीएसयू जर्नल इंश्योरेंस होता क्या है पहले ये समझते हैं। तो जैसे एक तो होते हैं, मैंने आपको पहले बताया, लाइफ इंश्योरेंस। तो लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड जो भी इंश्योरेंस होती है, उसके अलावा जो भी इंश्योरेंस होगी वो जर्नल इंश्योरेंस के अंदर आएगी, जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े नाम आपने सुने ही होंगे, जैसे टर्म इंश्योरेंस इसके अंदर आता है, लाइफ इंश्योरेंस के अलावा फायर इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, तो ये सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं। और जैसे अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट के लिए एश्योरेंस करते हैं, बहुत सारी एश्योरेंस जिसका नाम होता है, ए से स्टार्ट होता है, तो वो सब भी इसके अंदर आता है। तो जो जर्नल इंश्योरेंस होती है, जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स प्रोवाइड करते हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स मतलब गवर्नमेंट कंपनीज, जो गवर्नमेंट कंपनीज प्रोवाइड करती हैं, उसकी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट बता रखी है, जिसके अंदर बोला गया है कि गवर्नमेंट उनको बूस्ट करने की, यानी उनको कैपिटल इन्फ्यूज़ करने की बात कर रही है। तो यहाँ पे अगर इन्होंने काफ़ी अच्छा एक डेटा दिया है, 3 ऑफ द 4 पब्लिक सेक्टर जर्नल इंश्योरेंस कंपनीज आर लॉस मेकिंग। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंसर्न की बात हो जाती है कि आपकी बहुत सारी जो पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो लॉस मेकिंग चल रही हैं, तो उनको कैपिटल की सख्त रिक्वायरमेंट है ताकि वो अपने मतलब ऑपरेशंस को और स्मूथ लाइन कर सकें। द गवर्नमेंट इज सून लाइकली टू अनाउंस अ प्लान टू स्ट्रेंथन स्टेट रन जनरल इंश्योरेंस कंपनीज। तो ये अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो आगे देखिए तो फोकस ऑफ द प्लान इज एक्सपेक्टेड टू बी प्राइमरीली ऑन देयर लॉस मेकिंग पोर्टफोलियोज, मतलब बेसिकली कि कैसे वो लॉस मेकिंग को हटा सकते हैं। होता क्या है कि इंश्योरेंस कंपनी को लॉस तब होता है जब एक एडवर्स सिलेक्शन की सिचुएशन बन जाती है। एडवर्स सिलेक्शन की सिचुएशन बनती है तब जब आपके सोसाइटी के अंदर सबको रिस्क होता है, इसीलिए वो इंश्योरेंस लेते हैं। तो इंश्योरर को जो है ऐसे सिलेक्ट करना पड़ता है लोगों को, वो एक एक्चुअली में एक नेगेटिव सिलेक्शन का प्रोसेस होता है, जिसके अंदर वो ऐसे लोगों को सिलेक्ट करते हैं जिनको रिस्क तो है बट उनके हिसाब से उनको रिस्क ज़्यादा लग रहा है, उनको रिस्क एक्चुअली में थोड़ा कम है। ऐसे लोगों को छांटना पड़ता है। इंश्योरेंस के जो एजेंट होते हैं या जो इंश्योरेंस के कैलकुलेट बनाते हैं, वो सब जो होते हैं उनको ये सब चीज़ें सिलेक्ट करनी पड़ती हैं कि जिसको सबसे कम रिस्क है पूरी इकोनॉमी के अंदर हम उनको लोन प्रोवाइड कर रहे हो। बट एडवर्स सिलेक्शन तब होती है जब आप गलती से बिना देखे या फिर इनोसेंस के उसके अंदर, या फिर आप कह सकते हैं कि बिना आपको पता ही नहीं था ऐसा है, तो उसके अंदर आप ऐसे सेगमेंट को लोन दे दें, ऐसे सेगमेंट को इंश्योरेंस दे दें जो सबसे ज़्यादा रिस्क है, मतलब उसके अंदर सबसे ज़्यादा रिस्क है। जैसे क्या होता है, एक फैक्ट्री के अंदर मान लेते हैं सारे वर्कर्स हैं, एक फैक्ट्री के अंदर सभी वर्कर्स हैं, वो सब ऐसी मशीनरी के साथ डील करते हैं जिससे उनकी डेथ हो सकती है कभी भी। बट उसके अंदर सबसे ज़्यादा रिस्क सबके साथ नहीं है, सबसे ज़्यादा रिस्क उस पर्सन के साथ है जिसको मान लेते हैं कोई और प्रॉब्लम भी है साथ में, सबको कोई और प्रॉब्लम नहीं है, मान लेते हैं उसको हार्ट की प्रॉब्लम है। तो हार्ट की प्रॉब्लम जिसको है वो एक बुरा सिलेक्शन हो जाएगा, अगर आप उसको इंश्योरेंस देते हैं तो वो एक एडवर्स सिलेक्शन बन जाएगी, तो उसकी वजह से लॉस मेकिंग चल रही है कंपनीज। आप बाकी सब ऐसे लेबर्स को लोन देंगे तो आपका हो सकता है कि लॉस मेकिंग ना भी जाए। द गवर्नमेंट हैड प्रपोज्ड 4,950 करोड़ रुपीज़ कैपिटल इन्फ्यूजन इन स्टेट रन जनरल इंश्योरेंस। तो यहाँ पर जो अमाउंट है वो इन्होंने डिस्क्लोज कर दिया है, 4,950 करोड़ रुपीज़ का ये करेंगे यहाँ पर। एंड उसके अलावा जो प्लान होगा इनका, कैसे कैसे किस किस कंपनी को कितना मिल रहा होगा, तो वो सब इन्होंने ऊपर बता दिया, मतलब वो सब अभी नहीं बताया यहाँ पर। आगे चले तो द नंबर्स दैट मैटर। तो यहाँ पर कुछ कंपनीज़ के नाम इन्होंने लिए हैं और कुछ कंपनीज़ को, उन्हीं कंपनीज़ को कितना लॉस चल रहा है आज की डेट में जो गवर्नमेंट स्टेट रन जनरल इंश्योरेंस है उनको, तो ये बताया हुआ है। जैसे आप देखेंगे ओरिएंटल इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंडिया एश्योरेंस, न्यू इंडिया एश्योरेंस, तो ये सब कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि आपके स्टेट रन जनरल इंश्योरेंस के अंदर आएगा। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा पूरा। अब थोड़ी सी ये वाली न्यूज़ को हम स्किप करेंगे क्योंकि बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है। इसके अंदर यह है कि हायरिंग एकअप्स हुए हैं, मतलब अप्रैल टू जून 2022 के अंदर अप्रैल वाली जो मतलब नॉन टेक कंपनीज़ हैं वो हायरिंग बहुत कम कर रही हैं और टेक कंपनीज़ को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, ये सब इसके अंदर रेफर किया हुआ है जिसको ज़्यादा रेलिवेंट ये नहीं लगता है। तो आगे चलते हैं ईटी मार्केट्स वाले सेक्शन के ऊपर। आज थोड़ी कम ही न्यूज़ कवर करेंगे क्योंकि मेरा अगेन एग्जाम है 9:30 को ही, तो उसकी वजह से। तो स्टार्ट करें तो ऑटो स्टॉक्स में स्टॉल एज इनपुट कॉस्ट स्पाइक पुट्स मार्जिन एट रिस्क। तो यहाँ पर बेसिकली ऑटो स्टॉक्स की बात की है कि राइजिंग कॉस्ट इन्फ्लेशन हो रहा है। मैंने आपको बताया था ऑटो स्टॉक्स के अंदर राइजिंग कॉस्ट इन्फ्लेशन का क्या मीनिंग होता है, या किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, कि जो इनपुट कॉस्ट है, जो आप रॉ मटेरियल लेते हैं उसकी कॉस्ट है वो बढ़ रही है। जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी दिखाया कि कोकिंग कोयल की प्राइसेस बढ़ रहे हैं जो कि स्टील कंपनीज़ को रिक्वायर्ड होता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एल्यूमिनियम के प्राइसेस अब बढ़ रहे हैं क्योंकि वो मतलब वो ऑब्वियसली बात है कि स्टील कंपनीज़ को मतलब ऑटो कंपनीज़ को, ऑटोमोबाइल कंपनीज़ को एल्यूमिनियम की रिक्वायरमेंट होती है अपनी बॉडी फ्रेम और इक्विपमेंट्स बनाने के लिए। तो ये क्यों बढ़ रही है ये भी उन्होंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया एन एक्सपोर्टर ऑफ बॉक्साइट विच इज़ यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग एल्यूमिनियम। तो यहाँ पर बैंड एक्सपोर्ट्स टू रशिया, मतलब जो ऑस्ट्रेलिया है उन्होंने एक इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिया है। एक सैंक्शन का मैंने एग्जांपल पहले भी दिया था, मैंने मीनिंग नहीं बताया था। तो सैंक्शन का मीनिंग होता है कि आप जैसे कोई इकोनॉमी है, रशिया है, तो रशिया को वो वॉर कर रहे हैं, तो हम दो चीज़ें कर सकते हैं उस वॉर को स्टॉप करने के लिए या हम अपने पॉइंट को रखने के लिए। पहली चीज़ तो है कि हम अपनी आर्मी लेके वहाँ पर पहुँच जाएँ यूक्रेन में और यूक्रेन को सपोर्ट करने लग जाए। तो वो भी एक केस बन सकता है, अगर बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो जाते हैं तो ऐसा भी करना पड़ सकता है, बट वो एक वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो जाएगा धीरे धीरे, तो वो चीज़ बुरी होती है। हम दूसरा चीज़ कर सकते हैं इकोनॉमिक सैंक्शन लगाना। तो हम जितना भी ट्रेड करते हैं कि इकोनॉमी के साथ वो हम बंद कर सकते हैं, जो भी हम सर्विसेज यहाँ के लोग वहाँ पर दे रहे हैं उनको बंद कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए, ताकि उस कंपनी को, ताकि उस कंट्री के लोग सफ़र करें। जब लोग सफ़र करेंगे तो उसकी वजह से वो इकोनॉमी को जाके, अपनी गवर्नमेंट को जाके बोलेंगे कि आप इसको छोड़ो, या फिर कम से कम जो उनका पैसा होगा वहाँ पर गवर्नमेंट के पास वो भी धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाएगा। तो उसकी वजह से इकोनॉमिक सैंक्शन बहुत ही अच्छी तरकीब होती है इसको कूप अप करने की। तो ऐसा ही है कि इकोनॉमिक सैंक्शन लगाया है ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया है, यहाँ पर रशिया के साथ वो जो भी ट्रेड करता था बॉक्साइट का, बॉक्साइट एक एलिमेंट होता है जिसके थ्रू आपका एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसके ओर से। तो ये जो होता है उन्होंने बैन कर दिया है, वो अब नहीं कर रहे हैं रशिया को एक्सपोर्ट। तो उसकी वजह से एक नेगेटिव इम्पैक्ट पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी को पड़ेगा, क्योंकि जो भी कंट्रीज़ एल्यूमिनियम रशिया से मंगाती थी उनको भी इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, जिसके अंदर इंडिया कंपनी मतलब इंडिया की कंपनीज़ भी आएंगी जो ऑटो सेक्टर के अंदर है। तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो द प्राइस ऑफ एल्यूमिनियम रोज टू अ रिकॉर्ड ऑफ $3,400 पर टन एंड इट इज़ अबाउट 35% हायर देन द एवरेज प्राइस इन द सेकेंड हाफ ऑफ 2021। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पर कि कितना प्राइस यहाँ पर इन्फ्लेट हो चुका है, और इसकी वजह से ऑटोमोबाइल कंपनीज़ को रिकवरी में दिक्कत आ रही है। और इसकी वजह से हुआ क्या है कि अगेन मतलब स्टॉक मार्केट के ऊपर बहुत जल्दी इंपैक्ट पड़ता है ऐसी चीज़ों का, तो उसकी वजह से स्टॉक मार्केट ने भी ऐसा शो किया है। और निफ्टी ऑटो जो इंडेक्स है, निफ्टी ऑटो के अंदर एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ कंपनीज़ आती हैं जो कि ऑटो सेक्टर से हैं। तो जैसे जो टॉप कंपनीज़ हैं मारुति सुजुकी, हीरो होंडा टाइप्स, तो वो सब इसके अंदर आते हैं। तो इसके अंदर ये काफ़ी ज़्यादा नीचे जा रहा है स्टॉक अगर आप देखेंगे, और इसकी परफॉर्मेंस निफ्टी के अगेंस्ट भी नीचे है। तो ये आपको आई होप क्लियर होगा। यहाँ पर एक बहुत छोटी सी न्यूज़ है बट बहुत ही रेलेवेंट है। रुचि सोया का हमने थोड़े दिनों पहले देखा था, यहाँ पर IPO आया था और अभी इन्होंने नया FPO लेके आ गए हैं। FPO का मतलब होता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। जैसे आपका IPO होता है, IPO में कंपनी पहली बार अपने शेयर्स इशू करती है पब्लिक मार्केट के अंदर, तो इसी तरीके से FPO होता है। इसके अंदर आपका IPO के बाद जब भी जो भी पब्लिक ऑफर निकालना होता है कंपनी को, तो वो FPO के नाम से ही निकालते हैं। इसका मीनिंग होता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, जो कि काफ़ी नाम से सेंस भी बनाता है, क्योंकि अब पब्लिक ऑफर जो इनिशियल था अब उसके बाद ये पब्लिक ऑफर निकाल रहे हैं। इसके अंदर भी सेम प्रोसेस रहेगा, आपके IPO की तरह आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको अलॉटमेंट अगर मिलती है तो आपको शेयर्स क्रेडिट हो जाते हैं जो भी आपकी क्रेडिट की डेट होती है। तो ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर हम साइज़ वगैरह की बात करें तो 4300 करोड़ रुपीज़ का FPO है और ये मार्च 2024 से ओपन होगा। इसके अंदर 615 to 650 रुपीज़ का आपका प्राइस बैंड रहेगा। और ये क्योंकि अगेन ये लिस्टेड कंपनी है, इसका IPO आ चुका है, तो इसका आज का शेयर प्राइस भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा कि कितना IPO का प्राइस था। तो अगर हम थर्सडे के क्लोजिंग प्राइस की बात करें, क्योंकि फ्राइडे को का शायद मार्केट थोड़ा नीचे गया था इनका, तो थर्सडे की क्लोजिंग बात करें तो यहाँ पर 35% डिस्काउंट दे रहे हैं उस प्राइस से। तो 35% डिस्काउंट काफ़ी बड़ा होता है, और उसकी वजह से हुआ क्या कि मंडे को इनका स्टॉक 10% गिर भी गया इस इन्फॉर्मेशन की वजह से। तो आगे चले तो द OFS इज डन एट वैल्यूएशन ऑफ 19,230 करोड़। तो यानी कि ऑफर फॉर सेल जो इन्होंने अभी थोड़े दिनों पहले किया था इस FPO से पहले, वो 19,230 करोड़ में किया था वैल्यूएशन पे। मतलब ये बेसिकली इनकी कंपनी की करंट वैल्यूएशन को दर्शाता है कि करंट वैल्यूएशन इनकी लगभग 19,200 करोड़ के आसपास करंट वैल्यूएशन इनकी चल रही है। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा पूरा। आगे चलते हैं, LIC अपडेट्स IPO पेपर्स विद सेबी। तो यहाँ पर बहुत ही छोटी सी न्यूज़ है, इसके अंदर बेसिकली सेबी के साथ मैंने आपको बताया था जो भी कंपनी अपना IPO लेके आती है उनको अपने डॉक्यूमेंट्स फाइल करने पड़ते हैं। तो जो LIC था उसने अगेन फाइल कर दिए थे डॉक्यूमेंट्स। मार्च 8 को पूरा इनको अप्रूवल मिल गया था सेबी से, जिसके लिए एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल न्यूज़ भी आई थी जिसके अंदर बोला गया था सेबी ने LIC का IPO इतना जल्दी क्यों अप्रूव कर दिया। इससे रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन भी थी बट वो ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है। अब हुआ क्या है यहाँ पर, LIC ने अपने IPO पेपर्स को कोई वो नहीं बोला था, सेबी ने कुछ नहीं बोला था, बट LIC ने अपनी तरफ से ही IPO पेपर्स को अपडेट कर दिया है। और अब इन्होंने क्या अपडेट किया है वो एक ही लाइन में आपको समझ में आ जाएगा। द फ्रेश फाइलिंग इंक्लूड्स द इंश्योरर्स फाइनेंशियल डिटेल्स अप टू दिसंबर क्वार्टर। तो जो दिसंबर क्वार्टर था मतलब कि आपके लास्ट ईयर का, यानी कि आप देखेंगे तो क्वार्टर 3 हो जाएगा वो फाइनेंशियल 2023 का। तो ये 2022 का क्वार्टर 3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022 जो कि आपके अक्टूबर नवंबर दिसंबर ऑफ 2021 के पीरियड को दर्शाता है। तो उसका जो रिजल्ट्स थे इनके वो इन्होंने रिलीज़ कर दिए हैं। और क्योंकि वो पहले रिलीज़ ही नहीं हुए थे तो वो पहले इनके ड्राफ्ट पेपर्स के अंदर भी नहीं थे। आपके DRHP जो डॉक्यूमेंट होता है, DRHP मतलब ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, जो यहाँ पर पेपर्स की बात कर रहे हैं IPO पेपर्स, तो IPO पेपर्स का मतलब DRHP ही होता है, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। तो जो ये डॉक्यूमेंट था उसके अंदर थे नहीं मेंशन क्योंकि वो बने ही नहीं थे तब तक। तो अभी इन्होंने सिंस बना दिए, वैसे भी रिलीज़ कर दिए तो उसके अंदर भी इंक्लूड करके इन्होंने दे दिए यहाँ पर। तो आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर आपको पूरे रिजल्ट्स जो थे वो इनके देखने हैं तो वो भी इसके अंदर बताए हुए हैं, बट वो भी इतना रेलेवेंट नहीं है क्योंकि 2 ही फिगर्स इसके अंदर बताई गई हैं। तो ये था आज की वीडियो के लिए। आज मैंने थोड़े कम आर्टिकल्स कवर किए हैं, 2-3 पेज नहीं कवर किए हैं क्योंकि मेरा 9:30 पे एक्चुअली रियली एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है एंड ऑलरेडी 9:40 हो चुके हैं। तो मुझे वो मतलब एग्ज़ाम भी करना है यहाँ पर, DU में मैं हूँ तो OBE वाले एग्ज़ाम्स हमारे स्टार्ट होंगे। तो दैट इज़ इट। एंड अगर आपको बुक वगैरह का कोई भी लिंक चाहिए तो आप एक्चुअली कल की वीडियो देख लें, उसके अंदर आपको बेटर समझ में आ जाएगा। तो दैट्स इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।